आजकल मार्केट में नकली प्रोसेसर्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, और अगर आपको जानकारी नहीं है इस बारे में तो हो सकता है कि जो अगला प्रोसेसर आप लेने जाए आपको कोई ना कोई शॉपकीपर या फिर ऑनलाइन सेलर नकली पकड़ा दे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप असली और नकली AMD के जो राइजन सीरीज़ के प्रोसेसर हैं इनको आप पहचान सकते हैं, ताकि इनकेस कभी आपके हाथ में नकली प्रोसेसर पकड़ा है कोई तो आप संभल पाए। तो जो ये बॉक्स आता है प्रोसेसर्स का, ओरिजिनल एक इस पे पॉलिथिन में रैप होता है और इस पे इस तरीके का स्टिकर लगा हुआ मिलता है, ये सारी इस पे डिटेल्स होती हैं। तो ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ज़्यादातर जो आप प्रोसेसर्स लेंगे, कई सारे लोग क्या करते हैं, ये बाहर की जो डिटेल्स होती है हटा देते हैं क्योंकि प्रोसेसर का प्राइस वो मैनिपुलेट कर पाए। तो पहली चीज़ तो ये कि ये पॉलिथिन में रैप होगा और इस पर स्टिकर लगा हुआ होगा इस तरीके का। अब दूसरी चीज़ जो देखनी है आपको वो ये कि ये जो सील है ना, ये कटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो कई बार होता है कि जो नकली प्रोसेसर बेचने वाले होते हैं इसको बड़ी सफाई से काटते हैं। सफाई से क्या काटते हैं, आप नॉर्मली इसको खोलेंगे तो ब्लेड एसिड इसमें डालेंगे। जो नए लोग लेने जाएंगे उन्हें नहीं पता होता कई बार कि ये सील होती है या, तो ये पूरी जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर ये जुड़ी हुई नहीं है और किसी ने काट रखा है तो इसका मतलब ये कि प्रोसेसर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर रखे हैं किसी ने। तीसरी टिप ये दूंगा मैं आपको, जो सीरियल नंबर ये नीचे लिखा हुआ होता है इसको आप प्रोसेसर के ऊपर जो सीरियल नंबर है उससे मिला लीजिए। सीरियल नंबर मिलाते हुए मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा, लेकिन ये बहुत ही बारीक टिप है, बहुत ही मैं कहूँगा हेल्पफुल है। क्योंकि क्या होता है ना, कई तो ऐसे होते हैं कि ये जो सील है इसको भी इंटैक्ट रख के वो अंदर का प्रोसेसर बदल देते हैं, तो प्रोसेसर का जो सीरियल नंबर है वो कोई और डाल देते हैं चेंज करके। तो ये भी एक तरीके से आप इससे पकड़ सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि प्रोसेसर जो बॉक्स के अंदर है वो बॉक्स के साथ वाला ही है या चेंज कर रखा है। अगर बॉक्स की बनावट की बात करी जाए तो ये थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं एम्बॉस्ड है और ये भी एम्बॉस्ड है। जो नकली प्रोसेसर के बॉक्सेस मैंने देखे उनमें ये इस तरीके का मैंने नहीं देखा है। वो अलग बात है, नकली में भी बनाने को सब कुछ बना सकते हैं, ऐसा नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी जिन चीज़ों का मैंने डिफरेंस देखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये जो सील होती है फिर भी नकली बना लेते हैं लोग, लेकिन देख के पता चल जाता है ये जो है ना होलोग्राम, इसका ये डिफरेंस रहता ही है नकली में, तो असली वाले का आपको पता चल जाएगा जो कलर शिफ्टिंग का होता है। मैं लिंक दे चुका हूँ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाके आप देख सकते हैं कि ये जो होलोग्राम है आपको किस तरीके से पहचानना है, किस तरफ करने पे कौन सा पैटर्न मिलता है। एक और टिप जो मैं दूंगा आपको वो ये कि ये जो QR रीडर की ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इस QR कोड को स्कैन करके आप जब इसका जो लिंक दिया है उस पे जाओगे तो एक AMD की वेबसाइट का लिंक खुलेगा और उस पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्रोसेसर है जेन्युइन है कि नहीं, उस पे आपका सीरियल नंबर भी मेंशनड होगा। तो एक तरीका ये है जेन्युइन प्रोसेसर का पता लगाने का, लेकिन कई बार ये होता है कि बॉक्स जेन्युइन है, प्रोसेसर का जो सीरियल नंबर है वो जेन्युइन है, लेकिन आपको जो अंदर प्रोसेसर डाल के दिया है वो जेन्युइन है कि नहीं वो नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए इस पे जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है उसको बॉक्स से मिला दो। अब बॉक्स की तो हमने बहुत बात कर ली, अब आते हैं प्रोसेसर पे। ये जो प्रोसेसर का टेक्स्ट है इसको बहुत ध्यान से आप देख लो, जितनी फिनिशिंग से ये लिखा हुआ है इतनी फिनिशिंग से आपको जो डुप्लीकेट प्रोसेसर होते हैं उन पे नहीं देखने को मिलेगा। और ये जो राइजन का जो है ई बना हुआ है, मैंने देखा है जो नकली वाला होता है उसमें लाइनिंग डली हुई होती है, क्योंकि जो ओरिजिनल है इसमें बिल्कुल ये फ्लैट है, एक तरह से पूरा ही ये फ्लैट उसमें है, कहीं लाइनिंग नहीं है जो टेक्स्ट है। और नकली वाले पे अक्सर आपको मेड इन मलेशिया लिखा हुआ मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि चाइना के नाम से लोग थोड़ा ज़्यादा शक करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल वाले प्रोसेसर्स हैं ये मेड इन चाइना होते हैं। ज़्यादातर जो AMD के राइजन सीरीज है मेड इन चाइना है, डिफ्यूज्ड इन USA, ताइवान, वो अलग अलग कंट्रीज़ का हो सकता है, लेकिन मेड इन मलेशिया मैंने कम देखे हैं ओरिजिनल होने को हो सकते हैं। ओरिजिनल प्रोसेसर्स पे जो गोल्डन ट्रायंगल बना हुआ होता है किनारे पे बहुत ही छोटा होता है, तो जो नकली प्रोसेसर्स होते हैं उस पे ये काफ़ी बड़ा बना हुआ होता है। एक चीज़ ये है जिससे आप पहचान सकते हो। बैक साइड की बात करें जो इसकी पिनआउट्स होती हैं, नकली प्रोसेसर वैसे तो बनाने को वो कोशिश करते कि पूरा जितना सेम हो सके उतना सेम बना पाए, लेकिन कुछ नकली प्रोसेसर मैंने देखे हैं कि जो ये बैक साइड पे पिनआउट्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती है। तो जिस तरीके से ये पूरा बना हुआ है पिन जैस की, इस तरीके से नहीं होती, इनफैक्ट बीच में भी उसमें पिन्स होती हैं। वो पुराने टाइम का कोई पता नहीं कौन से प्रोसेसर को लेके वो इस तरीके के जो शेप में बना के आपको सेल कर देंगे। तो ये जो है ना, ये इसको भी मिला के देख लेना। और इनफैक्ट अगर आपने नकली प्रोसेसर अपने मदरबोर्ड पे लगाने की कोशिश करी तो उसके पिन्स भी बेंड हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्यूरेसी नहीं होती उसमें पिन्स की। असली प्रोसेसर तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अब इसे मेरी किस्मत कहे कि बदकिस्मती कहे, मेरे पास भी एक नकली प्रोसेसर आया था, तो उस प्रोसेसर को वापस करवाने के लिए काफ़ी बहसबाजी करी, काफ़ी टफ पड़ा मुझे, कई दिन वेस्ट करे, लेकिन अंत में मेरे पैसे मुझे मिल गए थे।
तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ऐसा बुरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ना हो और नकली प्रोसेसर को देख के आप बच पाए। तो ये जो प्रोसेसर है आप देख सकते हैं ये नकली है और सबसे गंदी नकल मैं कहूँगा इसको किसी भी प्रोसेसर की। बैक साइड पे इसकी पिंस देख के आपको पता चल जाएगा कि ये नकली है, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि असली नकली की क्या पहचान होती है। ये कोई पुराने ज़माने का प्रोसेसर आता होगा एएमडी का, उसके ऊपर इन्होंने इस तरीके से करके इसको मॉडिफाई करके बनाया है। तो पिंस तो पुराने टाइम की रहेंगी, लेकिन जो ऊपर की सरफेस होती है ये उसको इस तरीके से बना देते हैं कि आपको ना पता चले। वैसे भी आप सील बंद बॉक्स लोगे तो दुकानदार के सामने खोल के तो देखोगे नहीं, या जहाँ से भी आएगा आप खोल के तो देखोगे नहीं। तो ये इसलिए बना होता है कि आप बस एक बार परचेस कर लें, आप पैसे दे दो और उसके बाद फिर आपके गले पड़ जाएगा। चाहे आप ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन खरीदें, नकली प्रोसेसर्स की भरमार है और कहीं ना कहीं आपको इस तरह के नकली प्रोसेसर्स देखने को मिल ही जाएंगे। पिंस को तो हमने देख लिया, लेकिन अब इसके टेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। तो असली और नकली प्रोसेसर को जब हम बराबर में रख के देखते हैं आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। इसकी जो टेक्स्ट की क्वालिटी है काफ़ी पुअर है, जैसे कि राइजन में जो ई है इस पर लाइनिंग है। एक और मैंने आपको बताई थी बात, जो मेड इन मलेशिया और मेड इन चाइना का डिफरेंस था, तो नकली प्रोसेसर पे हमेशा आपको मेड इन मलेशिया मिलेगा, क्योंकि चाइना के नाम पे लोग थोड़ा सा शक करते हैं। इनफैक्ट असली जो प्रोसेसर है वो मेड इन चाइना होता है। और रही बात सीरियल नंबर की, इसका सीरियल नंबर अगर आप सर्च भी करेंगे एएमडी की वेबसाइट पर आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये नकली है। प्रोसेसर के जो किनारी पे गोल्डन ट्रायंगल बना होता है ये भी आप देख सकते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। असली वाले पे छोटा होता है और नकली वाले पे काफ़ी बड़ा बना हुआ होता है। तो यही चीज़ें होती है जिसके ज़रिए आप ये पहचान सकते हैं कि कोई प्रोसेसर असली है कि नकली है। अब चला के देखोगे तो भाई ये फिट भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी पिंस ही अलग है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।